बहुत सारे साथियों का प्रश्न आता है कि पंडित जी, हम कितना भी पैसा कमा लें लेकिन हमारा बटुआ खाली का खाली रहता है। हमारी बहुत अच्छी नौकरी है और हमारी तनख्वाह भी लाखों में है, लेकिन बार बार ऐसा टाइम आ जाता है कि जब हमें कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो हम अपना पर्स खोलते हैं और देखते हैं खाली। क्या कारण है कि लाखों में सैलरी होने के बाद भी हमारा पर्स खाली का खाली रहता है, हमारे बटुए में धन टिकता ही नहीं है? इस तरह के कमेंट हर रोज हमारे पास ना जाने कितने हमारे प्यारे साथियों के आते हैं। आप आज का ये एपिसोड देख रहे हैं तो आपने भी सिर्फ यूं ही इस एपिसोड पर क्लिक नहीं किया है, आपकी भी प्रॉब्लम यही है कि आपके बटुए में धन नहीं टिक रहा। लक्ष्मी हमारे पास ज्यादा लंबे समय तक क्यों नहीं रह पाती और क्या कारण होता है कि हमारी लाइफ में हमेशा पैसे की प्रॉब्लम चलती रहती है? मैटर नहीं करता हमारे पास कितना धन आ रहा है, लेकिन जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त हाथ खाली के खाली। तो आप मुझे बताइए कि आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके पास पैसा है ही नहीं, फिर उस 1 लाख रुपए का क्या फायदा? एक व्यक्ति महीने के सिर्फ 20,000 रुपए कमाता है लेकिन उसका कभी कोई काम नहीं रुका पैसे की कमी के कारण। उसे जब भी कोई जरूरत होती है वो 20,000 रुपए ही उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन आपका 1 लाख रुपया भी मदद नहीं कर पा रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। हमारे कुछ ना कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो हमारे पास पैसा नहीं टिकने दे रहे, या हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, किस्मत हमारी हमारा साथ नहीं दे रही। बहुत सारे भक्त हमें कमेंट करते हैं कि पंडित जी, बहुत कोशिश की लेकिन हमारा ना तो पैसे का कर्ज उतर पा रहा है, ना लाइफ में हम स्टेबल हो पा रहे हैं, और धन की तो इतनी कमी चल रही है ना हम बता सकते हैं ना हम छुपा सकते हैं। प्यारे बंधुजनों, मत घबराइए, परेशान मत होइए। समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी है। हम मानते हैं कि आपको पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये सिर्फ आपके साथ नहीं, आपकी तरह ना जाने कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो आज के टाइम में अच्छी सैलरी लेने के बाद भी पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। आज का यह एपिसोड आपके काम का होने वाला है, और अगर आपने आज का यह एपिसोड मिस कर दिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर जाओगे। बहुत मेहनत से और बहुत विश्वास से आज का यह अध्याय मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भक्त इस एपिसोड को जी भर कर देखेंगे, भर भर कर शेयर करेंगे, और ये एपिसोड आपकी लाइफ को बदलने जा रहा है, आपके दिनों को बदलने जा रहा है, आपके वक्त को बदलने जा रहा है, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए उस परम पिता परमात्मा महादेव को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं।
कौन सी तपस्या भोले सर्पों ने की थी, जिसको जगा भोले गले में दी थी। अब की बारी हमारी, ओ बाबा जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, ओ बाबा जय भोले भंडारी। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। नमस्कार, आभार। आप देख रहे हैं ज्योतिष मिराकल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तजनों का आज के इस नए अध्याय पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को साल 2024 आने वाले दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और दीपावली का यह पर्व आप सभी भक्तों के जीवन में नई खुशियां लेकर आए और प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। तो प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी जेब में, आपके बटुए में, आपके पर्स में धन नहीं टिकता, या आपको लाइफ में हमेशा पैसे की प्रॉब्लम चलती रहती है, तो इस पौधे की जड़ रख लीजिए बटुए में, भर भर कर मिलेगा पैसा। जी हां, आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में पेड़ों को साक्षात देवी देवताओं के समान उनकी पूजा की जाती है, और यही पेड़ हमारा भाग्य, हमारा पूरा जीवन बदल देते हैं। इस एक पौधे की जड़ आपने अपनी बटुए में रखनी है। कैसे रखनी है, किस तरह से रखनी है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से विनती है, अगर आपको आज का यह एपिसोड पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। तो प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को आपने शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन सुबह नहा धोकर शुद्ध होने के पश्चात आपने केले के पेड़ के पास जाना है, और वहां से थोड़ी सी केले की जो जड़ है वो आपने ले लेनी है। घर आने के बाद उसे ताजा जल में धोना है, गंगा जल में धोना है, गाय के कच्चे दूध में धोना है। उसके बाद से लास्ट में फिर शुद्ध जल के साथ उस जड़ को धो लेना है। अब आपने एक सूती पीले रंग का कपड़ा लेकर उस पीले कपड़े में उस जड़ को रखना है, और उस जड़ के साथ आपने दो साबुत हल्दी वो भी रख लेनी है। अब इस पीले कपड़े को अच्छी तरह बंद कर लो, चाहे तो आप सिलाई भी कर सकते हैं। अच्छी तरह उसको करने के बाद अब आपने इस कपड़े को जिसमें जड़ है अपने घर के मंदिर में 11 दिन तक रखे रहने देना है। 11 दिन तक प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ उस जड़ को अभिमंत्रित करना है, और 11 दिन के बाद उस जड़ को उठाकर अपने बटुए में, अपने पर्स में, अपने घर की तिजोरी में, या अपनी दुकान में, जहां कहीं भी आप पैसा रखते हैं वहां पर आपने उसे स्थापित कर लेना है। और जिस दिन ही इस जड़ को आप अपनी जगह पर स्थापित करोगे, उसी दिन से सेम डे छप्पड़ फाड़ कर पैसा आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। लाइफ में इतना धन आएगा, आप पैसा रख रख कर भूल जाओगे कि मैंने पैसा कहां कहां पर रख रखा है। माता महालक्ष्मी जी की इतनी कृपा होगी कि लाइफ में फिर दोबारा कभी आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के अध्याय से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए अध्याय में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए
हरिओम।